Hello guys, and welcome back to the next video of Little Scholars, where visualize in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हैं हमारा video number 84, जिसके अंदर हम लोग cover करने वाले हैं heredity and evolution का part number 2, यानी कि अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे heredity characters पढ़ लिए, अब हम पहुंचने वाले हैं इस chapter के second topic के ऊपर, that is what? Evolution. What does actually the evolution means? आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे what actually are the acquired traits, inherited traits, what is the reason for evolution, what actually is the evolution, और उसके बाद कुछ ऐसे evidences जो कि evolution के बारे में बताते हैं. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करें. सबसे पहले हम लोग differences करने वाले हैं acquired और inherited. मतलब क्या हुआ दोनों की दोनों चीजों का. acquire का मतलब क्या हुआ, ये मैंने acquire किया है, ये मैंने खरीदा है. for a simple example कि अगर हम कोई चीज खरीद के लेके आते हैं, it belongs to us, yes or no. और एक चीज जो हमें हमारे parents से मिली है. तो यहां पर दो चीजें हैं. पहली चीज क्या कि एक हम खरीद के लेके आए और सिर्फ हमारे लिए. फॉर अ सिंपल एग्जांपल कि आप लोगों ने जिमिंग करके मस्कुलर बॉडी डेवलप की है, दिस इज नॉट इनहेरिटेड, दिस इज व्हाट एक्वायर्ड. अच्छा लिखने के लिए, ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छा ब्रेन है कुछ चीजों के काम करने के लिए, आपकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं. They are completely related to you only. और सिर्फ आप तक सीमित रहेंगे. They are not transmitted to your children. The reason is कि वो जो सारी चीजें हैं वो किसी सेल के अंदर नहीं है, वो किसी जीन के अंदर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के ऊपर है जिसको आपने पूरी लाइफ टाइम में डेवलप किया है. तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हम तक लिमिटेड हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, लाइफ साइकिल में डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे लिए कर रहे हैं, वो सारे स्किल्स, वो सारी चीजें एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाती हैं, राइट. कि कोई पर्सन, किसी का दिमाग बहुत अच्छा है, कोई बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, कोई ये चीज बहुत अच्छी कर सकता है, कोई ये बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये सब क्या है, acquired traits हैं. ये वो features हैं जो सिर्फ हमने हमारे अंदर develop किया है changes करके. हमने हमारे अंदर develop किया है changes करके वो सारे characters, वो सारे features acquired trait कहलाते हैं. वो लड़का ऐसा दिखता है, वो लड़की ऐसी दिखती है, वो ये करता है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, he or she is the topper of the class. ये सब हमने पेरेंट्स से ग्रैब नहीं किया, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी हैं, डेवलप की हैं पूरी लाइफ टाइम के अंदर. तो वो सारे कैरेक्टर्स जो लाइफ टाइम में डेवलप कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए और किसी भी चीज के लिए, वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारे फीचर्स क्या कहलाएंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाएंगे. और कभी भी एक्वायर्ड ट्रेट्स फ्यूचर जनरेशन पे ट्रांसमिट नहीं होती. द रीजन इज क्योंकि वो जो सारे चेंजेस हैं वो किसी सेल के अंदर नहीं हुए हैं, वो सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंज हुए हैं, हमारे ब्रेन में डेवलप हुए हैं, वो किसी रिप्रोडक्टिव सेल किसका पार्ट नहीं है, वो किसी रिप्रोडक्टिव सेल का पार्ट नहीं है, वो किसी डीएनए का पार्ट नहीं है. तो वो सारे कैरेक्टर्स जो डीएनए का पार्ट नहीं है और डेवलप हो रहे हैं, they are known as acquired traits. ठीक है, तो what actually acquired are, these are the characters or features developed by an individual or developed in response to the environment. ठीक है, these characters are not transmitted to the next generation because these changes are not done in the reproductive cells or gametes of an organism. Example, muscular body, intelligentsia, etc. ठीक है, for a simple example, आप लोगों की books में एक example है, it is related to mouse. कि हम लोगों ने क्या करा, mouse की एक generation की tail cut कर दी, right? Tail cut कर दी,
रिप्रोडक्शन हुआ और जब वो नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसके पास टेल सारी थी, बिकॉज द कटिंग ऑफ टेल इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सेल. कटिंग ऑफ टेल इज सिंपली सिंपल राइट. फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मेरी मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं, इज इट नेसेसरी कि मेरे पेरेंट्स के पास भी 6 फिंगर्स होंगी हैंड में? इज इट नेसेसरी कि मेरे जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनके पास भी 6 फिंगर्स होंगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सेल. इट इज सिंपली रिलेटेड टू वॉट? सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर्स. ठीक है राइट. चलिए एग्जाम्पल, मस्कुलर बॉडी, इंटेलिजेंशिया एक्सेट्रा, दीज रे डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन. तो यहां पर एवोल्यूशन नहीं हो रहा. एवोल्यूशन का मतलब होता है विकसित होना, डेवलप्ड होना, चेंज करना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर द बेटरमेंट. तो जब भी कोई चीज बदलाव करती है बेटरमेंट के लिए, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज इवोल्यूशन या इवॉल्व होना, फॉर्मेशन. ठीक है राइट. नेक्स्ट वन आर इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड तो यहां पर हम लोगों ने वो चीज जो हमारे पेरेंट से ग्राफ किए. फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल के किसी पेरेंट के आईज का कलर रेड है या ब्लू है, कुछ भी है, तो उनके जो चिल्ड्रन है उनकी भी आईज का कलर ब्लू है फॉर अ एग्जाम्पल. ठीक है राइट. तो ये क्या हुआ? दीज आर इनहेरिटेड. ठीक है, फादर की कर्ली हेयर्स, चाइल्ड की भी कर्ली हेयर्स. ठीक है, मदर के स्ट्रेट हेयर, चाइल्ड की भी स्ट्रेट हेयर. दिस इज व्हाट इनहेरिटेड ट्रेट्स. ठीक है, तो वो सारी ट्रेट्स जो हमने बेसिकली हमारे पेरेंट्स से ली है और अभी तक की वीडियो में डिस्कस करते हुए आए हैं, वो सारी ट्रेट्स क्या कहलाएंगी? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहलाती हैं. अ ट्रेट और कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉज्ड बाय द चेंज इन इट्स जीन्स. जीन्स में चेंज होने की वजह से आ रहे हैं, इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स. दीज आर द कैरेक्टर्स व्हिच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम हमारे मम्मी पापा से रिसीव करते हैं. ठीक है, दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू डीएनए और द रिप्रोडक्टिव सेल. तो ये जो सारे चेंजेस हैं, ये सब के सब रिप्रोडक्टिव सेल्स और डीएनए के अंदर होते हैं, इसीलिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इजिली क्या हो सकते हैं? ट्रांसमिट हो सकते हैं. ठीक है ना. तो कोई कहता है कि भाई ये नया बेबी हुआ, बोले ये पापा पे गया बिल्कुल. द रीजन इज इनहेरिटेड ट्रेट. उसने अपने करेक्टर्स अपने फादर से लिए. किसी ने कहा ये मम्मी पे गया बिल्कुल, उसने अपने करेक्टर्स दिखने वाले वो किससे अडॉप्ट किए हैं? मदर से अडॉप्ट किए हैं. तो हम ऑलरेडी जीन्स पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम्स पढ़ चुके हैं, 46 क्रोमोसोम्स वाला पूरा एक बार ग्राफ देख चुके हैं. ठीक है राइट. नेक्स्ट वन, अब देखिए जब ये करेक्टर्स हैं और इनहेरिटेड हैं तो इनमें इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इवॉल्व नहीं होंगे तो सर्वाइवल के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. और अ सिंपल एग्जांपल कि हम लोगों के एंसेस्टर्स जो हैं, ठीक है दादाजी लीजिए, दादाजी से भी उनके परदादाजी लीजिए, ठीक है, उनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो था दैट इज नियर अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहने की हैबिट थी राइट. और मिनिमम 15 डिग्री 14 डिग्री पे. बट सडनली टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. अब क्या हुआ? जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर था इट लीड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड. उनको हैबिट सिर्फ 35 पे है. 45 क्या होगा? इट लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. और अगर हम देखें कि हम जनरली नोट करते हैं दैट व्हेन द विंटर कम्स, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी आ गई या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो हम देखते हैं कि जो डेथ रेशियो है वो कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. ठीक है, हम पढ़ते हैं न्यूज पेपर्स में कि भाई आज ठंड की वजह से इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए. द रीजन इज कि वो उस चेंजिंग एनवायरमेंट को, चेंजिंग टेम्परेचर को एडॉप्ट नहीं कर पाते. और जब वो एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइवल के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. तो इवोल्यूशन हेल्प इन द सर्वाइवल राइट. इवोल्यूशन हेल्प टू एडॉप्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. दिस इज व्हाट इवोल्यूशन डू. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे
बॉडी को, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को विकसित करने, डेवलप करने के लिए टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट और टू सर्वाइव एट द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट एवोल्यूशन इज नेसेसरी। तो डीएनए के अंदर जितने भी चेंजेस हैं दे लीड टू द दे आर नोन एज एवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर एवोल्यूशन का होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट एक्चुअली इज द एवोल्यूशन। हम यहां देख चुके हैं कि जो मिलियंस ऑफ इयर्स में जो थोड़े 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 करके चेंजेस जनरेट हो रहे हैं, दैट पर्टिकुलर चेन ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिलियन इयर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एवोल्यूशन। ठीक है, हमें पता है मिलियन ऑफ इयर्स अगो पहले हमारे एंसेस्टर्स चिंपैंजीज थे, हमने वहां से और यहां तक का जो चेंज किया है उनके बॉडी स्ट्रक्चर से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर तक का, दैट पर्टिकुलर चेंज इज नोन एज एवोल्यूशन। ठीक है, देखिए इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, बेसिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इन विच न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें नई स्पीशीज बन रही हैं। इवॉल्व का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, नया बनना या बदलाव होना। ठीक है, एविडेंसेस क्या है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखी हैं, जहां से पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ग्रेजुअल और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस अकर हो रहे हैं। और अभी मैंने एग्जांपल दिया चिंपांजी से हम लोगों का बनना। ठीक है, हमारा और उनका डीएनए लगभग 99% सेम है, बट बॉडी स्ट्रक्चर उनका देखिए, अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंट उनकी देखिए और अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंट हमारी देखिए। ठीक है, द मोर क्लोजली द टू स्पीशीज रिलेटेड। अब देखिए, अब ऐसा मानते हैं, देखिए चिंपैंजीज और हमारा डीएनए 99.9% सेम, व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या मतलब हुआ। अच्छा चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। जनरली आप लोग ये देखते हैं भैया एक दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है, दो भाई हैं, उनके करेक्टर्स कुछ मिलते जुलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको देख के भाई ये दोनों भाई बहन है या ये दोनों भाई हैं। हालांकि हम लोगों को अभी नहीं पता कि ये भाई हैं, बट हम लोगों ने उनके करेक्टर्स को, बॉडी स्ट्रक्चर्स को, फेस स्ट्रक्चर्स को, बॉडी जेस्चर्स को, सबको नोट करके ये बोला कि ये दोनों भाई हैं। क्या कारण था, हमने उनके फीचर्स को रीड आउट किया, फीचर्स को नोट किया और हमें पता चला कि इनके फीचर्स सिमिलर हैं। और जब इनके फीचर्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही पेरेंट से हैं, इट मींस दे आर सिबलिंग्स, यस और नो। तो वो सिबलिंग्स हुए, उसी तरीके से वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके फीचर्स के अंदर कुछ ना कुछ हद तक सिमिलैरिटी है, तो हम ये मानेंगे कि उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सेम एंसेस्टर्स से होता हुआ आया है और जब से अब तक में उन्होंने एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए चेंजेस तो कर लिए, बट उनके एंसेस्टर्स क्या थे, बिल्कुल सेम थे, उनके सारे एंसेस्टर्स क्या थे, सेम थे। तो यानी कि जिन भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स, जिन भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स लगभग मिलते जुलते होंगे, उन सबका जो बर्थ है, उन सबके जो एंसेस्टर्स हैं, उन सबके जो फोर फादर्स हैं, वो सब एक होंगे, बट उन्होंने टाइम के साथ साथ एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए क्या किया है, एवोल्यूशन किया है, चेंजेस किए हैं, राइट। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हम लोग दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे, थर्ड इज टोटली डिफरेंट, वन इज होमोलोगस ऑर्गन्स एंड द सेकेंड वन इज एनोलोगस ऑर्गन्स, राइट। देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले होमोलोगस और एनोलोगस, वर्ड को तोड़ो मतलब समझ में आ जाएगा, होमो मतलब एक जैसा, एनो मतलब अलग अलग, मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स वो सारे जो सेम एंसेस्टर्स से आए हैं बट टाइम के साथ बदलाव हो गए हैं, उन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो दोज ऑर्गन्स हुज बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम,
बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो उनके जो फंक्शंस हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन अलग अलग. होमोलोगस, होमोलोगस, होमो मींस एक जैसा दिखना, मतलब उनका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है बट उनके फंक्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं. अगर हम बात करें बहुत सिंपल सी कि हम लोग फोर लिम्स देखे ह्यूमन बीइंग्स के, फोर लिम्स देखे लिजार्ड्स के, फोर लिम्स देखे बर्ड्स के, ठीक है, फ्रॉग्स के, इन सबके अगर फोर लिम्स को हम कंपेयर करें तो लगभग बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा आएगा इसी तरीके का, ठीक है. बर्ड सिमिलर टू दिस, लिजार्ड्स भी कुछ इसी तरीके से चलती हैं. बट अगर मैं चारों के पांचों के फंक्शंस को कंपेयर करना चाहूं तो पांचों का फंक्शन टोटली डिफरेंट है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो पहले इनका जो एवोल्यूशन हुआ था, दे आर फ्रॉम अ सेम एंसेस्टर्स. यानी कि इन सबके एंसेस्टर्स क्या हैं, सेम हैं, ठीक है. जहां पर फ्रॉग किसी चीज को पकड़ बनाने के लिए, छुपकली पकड़ बनाने के लिए करती है, ह्यूमन बीइंग्स होल्ड करने के लिए, बर्ड्स उनका तो फंक्शन ही टोटली डिफरेंट है, राइट. तो सबके फंक्शंस अलग अलग हैं बट उनका जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है दैट इज कंप्लीटली सेम. दीज पर्टिकुलर ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स. होमो मतलब एक जैसे दिखने वाले ऑर्गन. द फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स, बर्ड, लिजार्ड्स एंड हॉर्स. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्ब्स आर सेम बट दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो क्या हो गए हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं. दीज फीचर्स शो दैट दे आर फ्रॉम द कॉमन डिसेंट. मतलब के उन सबका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सब एक ही फोर एंसेस्टर्स से हुआ है. मतलब उनके एंसेस्टर्स हम ऐसे बोल सकते हैं एक जैसे होंगे, एक ही होंगे, बट समय के साथ उन सारी चीजों ने क्या कर लिया है, बदलाव कर लिया है, ठीक है, राइट. नेक्स्ट वन आर एनालॉगस. एनालॉगस का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस. फॉर अ सिंपल एग्जांपल, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं और बटरफ्लाई, डिफरेंशिएट कर सकते हो. दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर का अपीयरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, उड़ने के लिए, राइट. फंक्शन क्या है दोनों का, उड़ने के लिए. बटरफ्लाई के फेदर्स में आपको सिर्फ मेम्ब्रेन्स मिलेंगी और बहुत टाइनी टाइनी सी बोन्स है, बट अगर मैं बर्ड्स के फेदर देखूं तो उसके फेदर्स के अंदर स्केलेटन मिलेगा पूरा, ताकि वो खुद की बॉडी को तो कवर कर ही सके प्लस इतनी हाइट पे आराम से उड़ सके इतने वजन को लेकर, ठीक है. इसीलिए उनके फेदर्स में आपको क्या मिलेगा, बोनी पार्ट मिलेगा. तो वो सारे ऑर्गन्स which have different basic structural design but they perform a similar functions are known as analogous organs. They are not from the same ancestors, right? They are not from the same ancestors but they perform a similar function. But ek jaisa kaam karte hain, theek hai. Some organs of different animals are similar in appearance. Kuch organs aise hote hain alag alag organism mein jo लगभग सेम दिखते हो लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. दिखते सेम है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है. एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. एग्जांपल, द विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई. सिमिलरली द विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ बैट, राइट. फंक्शन एक, बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग, इसका मतलब वो सेम फादर से डेवलप नहीं हुए, सेम एंसेस्टर्स से डेवलप नहीं हुए, सॉरी, राइट. द एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है. ओरिजिन डिफरेंट बट सिमिलर फंक्शंस, राइट. तो दीज आर द टू एविडेंसेस व्हिच शोज द एवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड द लास्ट वन व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ एवोल्यूशन, व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ कंपैरिजन, इज द फॉसिल. Fossils are basically the dead and decaying organic matter or the remains of dead and decaying organic matters of the remnants, or we can say animals, human beings over a long period of time. ठीक है, तो जो चीजें बच जाती हैं, ठीक है, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मरा, मरने के बाद वो वही मिट्टी में चला गया, ठीक है. अब क्या होगा, उसका जो स्केलेटन था वो एज इट इज रहेगा,
ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होता है, बट उसका जो ऊपर का बॉडी के जो बोन वीकेंड से जो उनकी बॉडी में स्केलेटन को छोड़ दें, बाकी जो सारा पार्ट होता है ना, फ्लैश वगैरह, वो सब खत्म हो जाता है, बचता क्या है, सिर्फ बोन्स, बिकॉज बोन्स कंटेन कार्बन। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, ठीक है, C14 दैट इज कार्बन डेटिंग, ठीक है, हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉसिल है, ये जो रिमेन्स है, ये कितने सालों पुराना है, और उससे और आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन दोनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वहां से हम लोग पुराने और नए वाले में कंपैरिजन निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कितने बदलाव हुए हैं ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर हिस्ट्री देखें तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो सबसे पहला जो स्केलेटन मिला था ह्यूमन का, वो इतना बड़ा था, उसका सिर लगभग इतना बड़ा था, बट अब जो हेड है वो बहुत छोटा छोटे है, बट वो इतना बड़ा था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हुए, उसके जॉ का साइज इतना लार्ज, ऐसे ब्रॉड टाइप जॉ होता है, हम लोगों के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, एवोल्यूशन, चेंजेस, किसके अंदर कंपेयर किया, फॉसिल से कंपेयर किया। तो व्हाट एक्चुअली आर द फॉसिल्स, द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द रिमेनिंग्स, ठीक है, या फिर जो मर जाते हैं उनका जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है उन सबको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग, हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना फॉसिल है और फिर कंपेयर करके एवोल्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का क्या, एवोल्यूशन, और वो सारे एविडेंसेस जिसके बेसिस पे हम लोग एवोल्यूशन देख सकते थे, राइट। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे, किसके साथ, इस चैप्टर के बचे हुए पोर्शन के साथ, एंड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर चुके होंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिए।